बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हम अपना स्पेशल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपनी बेटियों को और अपनी ईद की हम शॉपिंग दिखाएंगे और मेरे हस्बैंड के भी साथ होंगे कपड़े। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरी बात नहीं आपसे हुई तो मैं आपको एक बार फिर थैंक यू कहने लगी हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये ईद की शॉपिंग है, मेरे बेटियों के कपड़े हैं और मेरे हैं, और मेरी बेटियों की ज्वेलरी और मेरी, और कुछ मेकअप का सामान है ना, जरूरत की चीजें हैं। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, ये शिफॉन में है ना, तो इसके साथ ट्राउजर भी है, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और इसके साथ मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी दोनों बेटियों ने लिए, एक जैसे कहती है कि हमने ट्विन्स लगने हैं ना, तो इस तरह से ये कमीज है, आगे वाला हिस्सा बॉर्डर वगैरह इस तरह बना हुआ है, इसके बाजू इस तरह के हैं, इन्होंने खुद पसंद की। बैक साइड है जो प्लान है ना, नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, तो इस तरह दुपट्टे के दामन पे ये बॉर्डर बना हुआ है दोनों साइड पे। और ये साथ में ट्राउजर है, ग्रिप की ट्राउजर है साथ में, ये नीचे बॉर्डर लगा हुआ है ना नेट का, ये बहुत ही प्यारा लगता है ना। ये दोनों मेरी बेटियों ने एक जैसे लिए, तो मैंने कहा कि एक ही आपको दिखाती हूँ, सेम ही है तो फिर दोनों दिखाने का फायदा नहीं। तो ये मेरी दूसरी बेटी के हैं, बड़ी के, माशाल्लाह उसके, उसने ये कलर चूज किया है अपनी मर्जी से, इन्होंने कलर चूज किए, लाल पीले ज्यादा नहीं ये करती ना, तो ये बाजू भी इस तरह के इसके बने हुए हैं, सेम चीज है लेकिन कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर से हमने लिए हैं ना, यूके से ही, तो लेकिन मेड इन पाकिस्तान से ये बने हुए आए हैं, तो हमने इधर से लिए। ये पीछे इसके भी बॉर्डर बना हुआ है, डिजाइन सेम है, कलर डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये तीनों बहनों के, दोनों ने कहा कि हमने ट्विन्स बनना है, तो एक ने जो है ना लादा कलर लिया है। ये मेरी दूसरी बेटी की है, ये मैं पाकिस्तान की थी उधर से लेके आई हूँ ना, ये एक बार ईद पे पहनती है फैंसी, तो बाद में तो पहने नहीं जा सकते ना। इनकी आर्म्स मैंने अभी लगाई है, पीछे से ये सिंपल प्लान है, और नीचे इसके जो कपड़ा लगा हुआ है बहुत ही अच्छा लगा हुआ है ना, तो इसके साथ इसके ना ये गरारा बना हुआ है नीचे इस तरह से। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई तो बक्से में था, तो मैंने अभी इनके बाजू लगाए हैं तो इनको रेडी किया है ना। ये भी मेरी छोटी बेटी का, ये भी मैंने पाकिस्तान से लेके आई थी, अभी भी इनको मैंने बाजू लगाए हैं। इसके साथ से ट्राउजर है ना, तो नीचे बॉर्डर इस तरह का लगा हुआ है उसके नीचे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई अगर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ये मेरा अपना सूट है, ये मैंने ईद के लिए बनवाया, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। ये मेरे इस तरह के बाजू हैं इनके, और नीचे इस तरह बॉर्डर बना हुआ है, साथ में बेल्ट लगी है नीचे ना, तो पीछे इस तरह का बना हुआ है ना, कढ़ाई भी है और सिंपल भी है ना, नीचे ये बॉर्डर बना हुआ है, इन्होंने गोटा लगा के ना बॉर्डर बनाया हुआ, नीचे इसकी पैपिंग इस तरह की लगी हुई है गोल्ड कलर की, कढ़ाई के साथ मैच की हुई है ना। तो इसके साथ भी ट्राउजर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो कमीज होगी, और ये मेरा दुपट्टा है, मेरे दुपट्टे पे एक तरफ ये बॉर्डर बना हुआ है ना आगे वाले हिस्से पे ना, इस तरह सारे पे, तो दामन जो है दुपट्टे का इस तरह का है, पीछे वाली साइड भी इस तरह की है, एक साइड पे जो है ज्यादा बॉर्डर है इस तरह से। बहुत ही अच्छा गर्मी वाला सूट है ना, मैंने इस तरीके करके हैंग किए हुए हैं। ये मेरी ट्राउजर है साथ में, इसके नीचे भी इस तरह डिजाइन बना हुआ है। ये सबकी ज्वेलरी और मेहंदी वगैरह इधर पड़ी हुई है। ये मेरी बेटी ये मेहंदी लगा लेती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से लगा लेती है, फैमिली और फ्रेंड के लिए भी है, तो मेहंदी मैं ज्यादा ले आई हूँ। कभी कभी मेहंदी ये कौन से निकलती नहीं ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो मैं ज्यादा ले आई हूँ ईद के दिन, तो पहले एक दिन मिलती भी नहीं है। ये चूड़ियाँ मेरी दोस्त एक की है मेरे लिए, मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई थी कपड़े, वो आपको दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ज्वेलरी है मेरी बेटियों की, और उनके कुछ जरूरत का सामान है, मेकअप का, घड़ी वगैरह उधर पड़ी हुई है,
तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ ना मैं छोटा सा जो बेटियों के लिए मैंने शॉपिंग की है। अभी इनके जूते रह गए, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मेरी बेटियों के शूज है, उन्होंने हील वाले लिए हैं, मैंने नीचे बैठ में लिए हैं स्लिप फ्लैट वन। मैंने कहा कि ईद के दिन काम काज भी करना होता है, मेहमान वगैरह आ जाए तो सिंपल फ्लैट अच्छी है मेरे लिए, तो ये मैंने लिए है। मैंने ब्लैक ही लिया है, हर कप सूट के साथ पहने जा सकती है, तो अंदर भी इजिली पहन सकती हो ना। तो बेटियों ने ये हील वाली ली है, मैंने सिंपल सी ली है। दूसरों के खुशे हैं छोटी वालों के, वो जो अभी मिल नहीं रही काम मैंने रखे है ना, मैं बाहर के मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको। अभी मैंने एक एक सूट आपको दिखाया बेटियों का भी, एक एक कॉटन का उधर इधर पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ये शिफॉन के जो थे मैंने वो दिखा दिया आपको, जो कॉटन के है वो सेकंड डे के लिए वो हमारे सेपरेट है। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं वाइट कॉटन के, तो मैंने इनको इस्त्री निकाल के मैंने धोया, धो के फिर मैंने इस्त्री किए हैं, क्योंकि दर्जी से जब आते हैं तो कुछ ना कुछ निशान होता है। ये हम पाकिस्तान से सिलाई करा के लेके आते हैं, इधर से मिल जाते हैं, ये कढ़ाई वगैरह भी उधर से कराई थी ना। ये जब नमाज पढ़ने जाएंगे ना ईद की नमाज, तो फिर ये पहन लेंगे ना साथ में। ये इनका जूता है, मर्दों के तो इतनी शॉपिंग नहीं होती, औरतों के ज्यादा होती है। ये एक परफ्यूम लगा ले तो कपड़े पहन लेते तैयार हो जाते हैं, हमारी तो 100 चीजें होती है ना। तो जब ईद पढ़ के आएंगे तो फिर मैंने ये इनका लेके आई हूँ। ये इनकी बेटियां अपनी पसंद से अपने बाबा के कपड़े लेके आई हैं। ये इनकी शर्ट है मेरे हस्बैंड की, ये इनकी ट्राउजर है, आगे से कुछ इस तरह है, जीन टाइप्स बन गई है, ट्राउजर है लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल है। ये जब नमाज पढ़ के आ जाएंगे तो बाद में ये पहन लेंगे। नमाज पढ़ने जब भी जाते हैं हम पाकिस्तानी कपड़े पहन के जाते हैं, जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो हम यही कपड़े पहन के जाते हैं। तो इनके भी मैंने निकाल के इस्त्री करके रख ली। ये हमारी छोटी सी शॉपिंग थी ईद की। आपको पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले व्यूज को मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। प्लीज जिस तरह मुझे आपने सपोर्ट किया, मुझे आपकी सपोर्ट की अभी जरूरत है, मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।